एक्टर्स तो बहुत देखे होंगे आपने, बट क्या कभी आपने अपने आप को एक्टिंग करते हुए देखा है? क्या आपने अपने आप को कभी ऐसा महसूस करा है कि आप किसी सिचुएशन में जाके आप प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं? अगर आपने ऐसा महसूस करा है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आज आप ज़रूर इस वीडियो से लेके जाएंगे। हाय, मेरा नाम है प्रिया कौल। मैं हूँ स्पिरिचुअल लाइफ कोच, एक होप क्रिएटर, एक हीलर, और आज बात करने आई हूँ आप ही के एक सवाल के ऊपर कि लोग सिचुएशन में एक्ट क्यों करते हैं, या फिर हम जब किसी ऐसे सिचुएशन में जाते हैं तो हम प्रिटेंड क्यों करते हैं। आइए आज इस बात को समझेंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी इफ्स एंड बट्स, एंड साथ में उसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो हम तीनों एरिया पर आज हम काम करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम प्रिटेंड क्यों करते हैं। जब हम अपने इनर इमोशन को समझते नहीं हैं या फिर अवॉइड करना चाहते हैं, तब हम प्रिटेंड करते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को जो प्रिटेंड करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्ट करते हैं, उनको एक्सेसिव डिसऑर्डर हो जाता है। अब क्या है ये एक्सेसिव डिसऑर्डर? या तो वो ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करना शुरू करते हैं, या तो वो शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, या तो बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ जो एक्सेसिव में कर रहे हैं, बिकॉज वो अपने इमोशन को फेस नहीं करना चाहते हैं, वो उस फीलिंग को फेस नहीं करना चाहते हैं। आइए समझते हैं कि इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको हम फिक्स कैसे करते हैं। मैं आपके सामने दो या तीन क्वेश्चंस बोलूँगी, इन क्वेश्चंस को आपने बार बार अपने आप से पूछना है। सो क्वेश्चन नंबर वन, लिसन टू वॉट इज रियली अंडर द सर्फेस। क्वेश्चन नंबर टू, इज इट लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, इज इट द नीड टू फील दैट योर वर्थ मैटर्स। ये तीन क्वेश्चंस को आपने दिन रात बार 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 पूछना है, इन केस अगर आप सफ़र कर रहे हैं एक्टिंग सिंड्रोम से, या फिर अगर आपके नोन में कोई भी एक ऐसा इंसान है, तो इस वीडियो को या इस इंफॉर्मेशन को उस तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बिकॉज जिस दिन आपको ये आंसर मिलेगा, आई एम श्योर आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे और आप रियल जो हैं, जैसे हैं वैसे लोगों तक पहुंचना शुरू करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड रीज़न टू अंडरस्टैंड वाई डू वी डू द एक्टिंग सिंड्रोम। कभी कभी क्या होता है, जब हम सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, बट हम देखो कहाँ पर हैं। या फिर जब कोई इंसान अपना सक्सेस आपके साथ शेयर करता है तो आपको लगता है कि यार इसकी जगह मैं भी तो हो सकता था। तो जब भी ये फीलिंग आपके अंदर आए तो आप देखिएगा कि नेक्स्ट टाइम आप प्रिटेंड करेंगे उसके जैसा बनने के लिए। आप कॉपी प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देंगे, आप रेंट पे सामान लेना शुरू कर देंगे, आप लोगों को दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, कितने भी लोन्स ले लेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आप अपने आप को परफेक्ट फील नहीं करते हैं, आप जैसे हैं उसमें खुश रहना नहीं शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस हैबिट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको मैं तीन सवाल पूछूंगी। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहां पर आप ऐसा फील करते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, तो ये तीन सवालों पे काम करना है। पहला क्वेश्चन है, इज़ दैट यू वांट राइट नाउ और इज़ दैट योर नीड राइट नाउ। ये क्वेश्चन एक ऐसा सिचुएशन को क्रिएट करेगा जहाँ पर आप रियलाइजेशन फॉर्म में आएंगे कि मैं जो देख रहा हूँ वो सिर्फ देखने के लिए अच्छा है या मुझे वाकई में इसकी ज़रूरत है। तो जैसे ही आप रियलाइज़ करेंगे, आप ऑटोमेटिकली ये एक्टिंग सिंड्रोम से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा तरीका जिसको आप ठीक कर सकते हैं, स्टॉप लुकिंग आउट, स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स। आपके पास जो है, जैसा है, क्या आप उसमें खुश हैं? क्या ये सवाल अगर आपको ट्रिगर नहीं करता है तो बहुत बढ़िया, बट अगर ये सवाल बोलने के बाद आपको एक नया इमोशन क्रिएट होता है या एक नई फीलिंग क्रिएट होती है, इसको लिखना शुरू करें, बिकॉज आगे के टाइम पे ये जो आंसर आपको मिलेगा ये आपको बहुत हेल्प कर देगा। तो क्या कहने का मतलब है कि जब तक आपको किसी की खुशी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसी के दुख से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आप एक म्यूचुअल फीलिंग को बना के चल रहे हैं, तब तक आप इस सिंड्रोम में नहीं हैं। मगर अगर आप इस सिंड्रोम में फंस चुके हैं
तो प्लीज़ इसको रियलाइज़ करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी लाइफ में किसी को देखने से इंस्पायर ना होके अपनी लाइफ को कर्जों में ना डाल दें। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड रीज़न फॉर द सिंड्रोम। यू कॉन्स्टेंटली सीक वैलिडेशन। कहते हैं कि जो भी इंसान एक्ट करते हैं या प्रिटेंड करते हैं, या अगर आप ही वो हैं उनमें से एक हैं, तो ऐसे इंसान बार बार कन्फर्मेशन लेते रहते हैं, बार बार रीअश्योरेंस में लेते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं कि क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने गट फीलिंग्स पे विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। वो अपने अंदर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स को जला के रखे हुए होते हैं, जहाँ पर उनको ये लगता है कि वो अभी ठीक नहीं है, बट दूसरे जैसे ही उन्हें कुछ बोलेंगे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड दे फील सिक्योर अबाउट इट। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी आपको मैं दो क्वेश्चंस दूंगी। आपने अपनी आंखों को बंद करना है, इन क्वेश्चंस को पूछना है, इनके आंसर्स को लिखना शुरू करना है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट कमिंग इनटू सेल्फ अवेयरनेस, ये आंसर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर वन दैट यू विल आस्क इज व्हेन डू आई फील मोस्ट कॉन्फिडेंट, एंड क्वेश्चन नंबर टू When do I feel like I know exactly what I am doing? ये दो questions के answer जितना जल्दी आपको मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपके अंदर confidence आता चला जाएगा and eventually आप इस trap से बाहर निकल जाएंगे। Now the next situation that you need to look forward is you feel empty। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा act करते हैं, pretend करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो energy है, वो जो ऊर्जा है, उसे खोते चले जाते हैं, और इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो। नाउ हाउ टू फिक्स दिस, लेट्स अंडरस्टैंड। इसको फिक्स करने के लिए भी मैं आपको दो क्वेश्चंस दूंगी, जिसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसका जवाब जैसे ही मिल जाएगा आप इस लूप से भी बाहर निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन डू आई फील एज दो व्हाट आई एम डूइंग डज मैटर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डू आई फील लाइक आई एम मेकिंग डिफरेंस इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर विश्वास रखेंगे, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको इसके जवाब उतनी जल्दी मिलता चला जाएगा। देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं ये पूरा का पूरा वीडियो इनर वर्क के ऊपर है, क्योंकि जब हम अपने आप से नहीं मिले हुए होते हैं तभी हम प्रिटेंड करते हैं, तभी हम एक्ट करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में आसपास या अगर आपके कोई नोन ऐसा इंसान हो जो किसी भी सिचुएशन में आने के बाद कुछ प्रिटेंड करना शुरू करता है, तो मेरी ये क्वेश्चन उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, बिकॉज ऐसे करने से आप ह्यूमैनिटी की हेल्प करेंगे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।